किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है जी। वीडियो हम बना रहे हैं एसके डेयरी फार्म पे। फार्म के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं और इधर जो किसान भाई कुछ एमपी से हैं, कुछ गुजरात से आए हुए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कितनी गायें खरीदी है, कितने रेट वाली गायें खरीदी है, खुद अपनी जुबान से ये आपको बताएंगे कि जो एसके डेयरी फार्म से वार्तालाप है वो कैसा रहा, कैसा इनका कम्युनिकेशन रहा, कैसा रेट लगा। सबसे पहले आपको पूरा फार्म दिखा देते हैं। आज की जो गायें हैं कम रेट वाली है, कम दूध वाली है, 40,000 से लेकर 50,000 गायें का रेट रहेगा। कोई 55,000 की गायें हैं और 20 लीटर से 25 लीटर या फिर 18 लीटर के आसपास में दूध रहेगा। मतलब जो एवरेज आएगी वो 20 लीटर की आएगी। सबसे पहले पूरा फार्म देख सकते हो, फार्म आपके बिल्कुल सामने है। कितनी गायें अभी फार्म पे खड़ी है, टोटल मेरे ख्याल से 30-35 गायें यहाँ पे खड़ी होगी। पूरा अंदर से भी आप फार्म देख सकते हो। सबसे पहले जो फार्म के मालिक हैं उनसे बात करते हैं और उसके बाद हम आपको गायें चलाकर दिखाएंगे और रेट बताएंगे। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई, क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कितनी गायें फार्म पे खड़ी है जी? टोटल 35-36 गायें आई है जी। सेल कितनी हो गई है? सेल अभी 30 गायें हो गई है अपनी। किस किस एरिया में जा रही है जी? 10 गायें अपनी जा रही है एमपी इंदौर में जी, और भी जो 20 गायें हमारा जा रहा है जी अरवल्दी डिस्ट्रिक्ट बैड में। ठीक है, और सेल के लिए कितनी है? 5 रह रही है। हाँ, सेल के लिए 6 गायें पीछे रह रही है अपनी। वो क्या रेट की गायें हैं? वो है जी मान लो 60 से लेके 75-80 तक है जी गायें, और उनका मिल्क है जो 25 से लेके 35 लीटर तक। ठीक है जी। कभी दो गाड़ी, कभी एक गाड़ी, कभी तीन गाड़ी एक दिन में लोड हो रही है, क्या रीज़न मानते हो आप कि इतना कस्टमर आ रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? सही काम कर रहे हो या नाम बना हुआ है, नाम बिक रहा है, क्या रीज़न है? बस देखो भाई, जे आप सभी को मालूम है, ये लोगों का प्यार भी है हमारे साथ, जो पुराने कस्टमर हैं वो भी हमारे पास हैं, और जो नए कस्टमर आ रहे हैं वो भी हमारे ऊपर जो भी हैप्पी होके जाते हैं। ये आगे से आगे किसान हमारे पास वो खुद ही बेच देते हैं। एक बात मैंने आपके फार्म की नोट की है, जो किसान एक बार आपके साथ जुड़ गया वो टूटता नहीं, नहीं टूटता। पुराने किसान भी दोबारा फिर से वीडियो में आ रहे हैं, दूसरी बार तीसरी बार विजिट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं जी। क्या रीज़न है दोबारा दोबारा आने का? पशु सही मिल जाते हैं उनको? बिल्कुल, पशु सही देते हैं जी, और जो सही काम कर रहे हैं वो हमारा काम करने का तरीका अच्छा है, क्योंकि जो भी किसान भाई हमारे पास एक बार आता है बार बार हमारे पास ही आएगा सर, ये हम अपनी गारंटी से बोलते हैं, दावे से बोलते हैं। वही तो बात है ना, जो पिछली वीडियो बनाई थी वो किसान लगभग तीसरी चौथी बार आए थे ना? हाँ, जो हमारा स्टे कस्टमर थे, क्योंकि आज तक जो एमपी के कस्टमर आए वो एक साल से अपने साथ जुड़े हुए सर। एक साल से? हाँ जी सर। आज उनके पास हमारी 48 गायें चली गई, आज 10 गायें के साथ 58 गायें उनके पास हमारी जा रही है जी। ठीक है, 10 गायें जो आज जा रही है। नए किसानों के लिए क्या मैसेज है आपका? नए किसानों के लिए मैसेज ये है जी, देखो किसान भाई सभी, क्योंकि हर किसान भाई हर रोज नई वीडियो देखता है, और जो भी किसान भाई मान लो विश्वास के ऊपर किसान भाई हमारे पास आता है, क्योंकि ये किसानों का प्यार है, आगे जो भी आएंगे उनके लिए भी सर हम यही कहते हैं, हमारा वीडियो देखो, जो हमारा काम अच्छा है तो हमारे पास आओ सर, क्योंकि ये सर देख वीडियो को रिपेंड कस्टमर ने आना है बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि अपना दिल और दिमाग को सोच के हमारे पास आना है, क्योंकि पहली बार यूट्यूब में जो रब्ता होता है किसान का सिर्फ बात का होता है सर, बात के बाद हमारा जो आदमी पास आके बात करता है वो बात सर अलग है, क्योंकि हम यही कहते हैं पहले तो जो किसान भाई करता है ऑनलाइन करता है, खुद आओ अपने पास आके गायें ऑफलाइन करके गायें लो, हम ऑफलाइन भी ज़्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि कस्टमर आता है अच्छा ले बुरा ले अपने निगाह से ले, क्योंकि वो सर आगे रीजन बन जाता है कस्टमर जो भी है हमारे साथ, वो हो गया दो हो गया वो हो जाता है, किसान भाई बोलते सर पंजाब धोखेधड़ी हो जाता है, हम ये बोलते हैं किसान भाई आपके पास समय थोड़ा है तो निकालो, तो खुद आके गायें अपनी अच्छी ढंग से लो सर। तो किसान भाइयों अभी जो कस्टमर एसके डेयरी फार्म पे आए हुए हैं इनसे बात करवाते हैं, कैसा इनका कम्युनिकेशन रहा, डीलिंग करने का जो अंदाज रहा कैसा रहा, कैसे पशु मिल गए, रेट कैसा मिल गया। तो सभी किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार जी, क्या हाल है जी? बस ठीक है, बढ़िया। अपना नाम? मेरा नाम है गोस्वामी अश्विनपुरी बाबूपुरी। कहाँ से हो जी आप? बाइट जी। अपना नाम क्या है जी? रूपेश पटेल। अपना नाम जी? विष्णु भाई। अशोक भाई। राकेश भाई जी। गुजरात से आप? गुजरात से। ठीक है, कितनी गायें खरीद रहे हो यहाँ से? गायें से हमने दो गाड़ी खरीदी है। ठीक है, गाय खरीदी है जी। तो पहली बार आ रहे हो या पुराने कस्टमर हो इनके? मैं तो इसके पास 3 साल से आ रहा हूँ पिछले जी, इसका व्यवहार भी अच्छा है। क्या रीज़न है 3 साल से इन्हीं के पास जुड़े हुए हों? फार्म तो और भी बहुत है। बहुत है, पर इसके साथ हमारा अच्छा बनता है, अच्छे रेट से गाय दिलाते हैं, जो हम बोलते हैं वही रेट से वो गाय हमको दिलाते हैं। ठीक है, हम बोल जो बोल जितना बोलते हैं उतना ही बोलते हैं, इसलिए हम पहले से इसके पास ही आ रहे हैं 3 साल से।
जो दूध बोल देते हैं कि 20 लीटर निकलेगा 25 लीटर निकलेगा उतना निकलता है? हाँ निकलता है, निकलता है। आज तक 3 साल में से कोई इनके साथ मतलब कमी आई हो या कोई कंप्लेंट हो जो बताना चाहते हो? नहीं नहीं, हमारी उसकी तरफ कोई कंप्लेंट आई नहीं 3 साल से। ठीक है, हम भरोसा है इसके पे, इसलिए हम 3 साल से इसके पास आ रहे हैं। तो आपके पास तो इसका आपके पास तो समय होता है कि आप इनके फार्म पे आ जाते हो? किसी किसान के पास उनकी लाइफ बिजी होती है या कोई जॉब कर रहा होता है, समय नहीं होता आने का। तो सेकंड ऑप्शन होता है, आजकल ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन ऑर्डर का। तो ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए इनके अकाउंट में पैसे डलवाने पड़ेंगे। तो ये बंदे सही है पैसे डलवाने के लिए? ऐसा तो नहीं कि अकाउंट में पैसे डलवा दें और बाद में ये फोन ना उठाएं? नहीं नहीं, सही है बंदे, तो सही है। रिस्क तो नहीं है कोई? नहीं नहीं, कोई रिस्क नहीं है। तो गुजराती भाषा में उधर के किसानों को इनके बारे में बुराई करो या तारीफ करो, कुछ भी कहना चाहो गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा में, हाँ तो ये आदमी गुजराती भाषा में ये मानस है, ये गोसा भाई है, ये देवीलाल है। बहुत हमारा 3 साल से संबंध अच्छा है, इसके पास मैं गाय लेने के लिए आ रहा हूँ 3 साल से। तो मेरा पैसा भी वो बाकी रखता है गुजराती, और मैं हाँ गुजराती जी जी, हमारे पास जो पैसा पंजाब में रहकर गुजराती भूल गए मेरे पास हूँ 3 वर्ष थी हमना जोड़े आऊँ छू गाय लेवा माटे। મારી પાસે પૈસા ઓછા હોય તો આપીને આવા વિશ્વાસથી બાકી રાખે છે અહીંયા, અને હું એમને આપી દઉં છું, ભરોસો છે એમનો, અને ગાય મને સારી અપાવશે એવા 3 વર્ષથી હું ગાય એમના જોડેથી લઈ જાઉં છું, પણ મારે હજુ અત્યાર સુધી કોઈ ગાય ખરાબ નીકળી નથી। અપના આધાર કાર્ડ દિખા દો, નંબર હમ આપકો નહીં દિખા સકતે, સિર્ફ ઓર સિર્ફ આપ એડ્રેસ દેખ સકતે હો ઇનકા। લો જી, તો અભી ભાઈ આપ ગાય ચલાકર દિખા દો ઓર રેટ બતા દો ઇનકા। गाय का बैकग्राउंड बता दो, ये क्या बैकग्राउंड की गाय है? ये निर्मल फर्स्ट टाइम मेरा, मुंह से 4 दांत है। ठीक है जी, हाँ जी। क्या दूध की गाय है? दूध आराम से करेगी 20+ करेगी आराम से जी। और रेट जी? रेट है दिया इनको 52 का जी, क्योंकि इनका जो लोन का काम है जी, मान लो इन लोगों ने कहा 40 का भी लिया है, और 40 से लेके 50 तक का लिया है इन लोगों ने। चलाओ जी गाय को, चलाओ बच्चिया, देखो 4 दांत मुंह से बिल्कुल दूध करेगी 20+ जी, और बहुत अच्छी क्वालिटी है आप देख सकते हो, क्योंकि थोड़ी 20% मान लो इसमें क्रॉसिंग है, और 80% प्योर HF की है जी। और देखो बच्चे का अर्डर देखो बहुत अच्छा है अभी, और कम से कम बच्ची 10 रोज लेगी ब्याने में, और इक्वल आंचल देखो 4 आंचल गुड़ने के ऊपर है। ये सारा होता है ब्रीड की जो होती है इसमें मैकेनिकेशन की जाती है, जैसे जज लोग करते हैं ब्रीड के, जैसे मान लो कहेगा अर्डर बिल्कुल देखो थैले के जैसा है, बिल्कुल उतनी गोल है जितना इसको बनाया गया है जैसे भगवान को। बच्ची का पग बहुत अच्छा है, और क्वालिटी ब्रीडिंग कलर क्वालिटी बहुत अच्छी है, और दूध आराम से 20+ करेगी। और बच्चे की अभी फर्स्ट वैन था ब्रीडिंग, अभी जो इसके मिल्क वैन है वो देखो कितना अभी अच्छा है। इस गाय का क्या बैकग्राउंड है जी? ये सेकंड टाइम है जी। ठीक है, क्या दूध की रहेगी गाय? दूध इसने फर्स्ट में दिया जी 19 लीटर, अब अभी 22 लीटर करेगी आराम से जी। और रेट जी? रेट अभी इसका जी दिया 54 का जी। ठीक है जी, और देखो अभी बच्ची का अभी 10-12 रोज बाकी है जी, और बच्चे देखो जी कितनी अच्छी है, अभी कम से कम 10-12 रोज बहने में पड़े हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और इसका जो मान लो भी ऑर्डर है, ऑर्डर इसके मान लो भी इतना अच्छा ऑर्डर करेगी, क्योंकि फिटिंग वाला ऑर्डर करेगी बिल्कुल, और बच्ची की क्वालिटी प्रिंट देखो बहुत अच्छा है, ये इनको दिया है 54 का सर, क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है बच्ची की। और देखो जो भी मान लो किसान भाई इसको लेके जाएगा बिल्कुल ऑर्डर बिल्कुल अच्छा, इतना अच्छा ऑर्डर करेगी 10-12 इसको पिएगा ऑर्डर तोड़ेगी नहीं बिल्कुल, एक तो इसमें ये खासियत है। और इसका पग देखो बिल्कुल दूसरा बेहतर है, पग भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पक्के पग की जो गायें हैं वो बिल्कुल मजबूत होती है सर, क्योंकि कोई आदमी कच्चे पग की गायें ले जाते हैं वो गायें जाके खलास हो जाती हैं। और बच्चे की क्वालिटी रंग रूप देखो कितना अच्छा है, और इसकी अभी चल के देखो जी बहुत अच्छी है, बॉडी ग्रोथ बहुत अच्छा है। इस बछड़ी का क्या बैकग्राउंड है? ये दिन में फर्स्ट में आता है। ठीक है, कितना दूध निकालेगी फर्स्ट में? दूध निकालेगी 100 लीटर जी। और रेट जी? रेट जी इनको दिया जी 44 का जी। ठीक है, और बच्चिया देखो बहुत, क्योंकि जो इनके सर इनके जो ही माल लिया है, क्योंकि हम पहले बोल के रहे हैं इनका जो माल है लो बजट का है, क्योंकि बच्चिया जो माल इन लोगों ने लिया नया माल लिया है बिल्कुल, और अपने लोन के हिसाब से माल लिया है, क्योंकि 15 लीटर से लेके 22 लीटर तक की गायें सभी गायें इनको लोगों ने परचेज की है सर, क्योंकि इसमें थोड़ी लो बजट भी आ गया कोई 44 की कोई 40 की। और बच्चिया देखो बिल्कुल 20 जो 44 में दी है, और ऐसी बच्चिया हमारे साथ 100 लीटर 17 लीटर दूर आराम से इनके पास करेगी, और इनके जाके जाके 50 की उतर जाएगी वहाँ पे जाके। इस गाय का क्या बैकग्राउंड है जी? यही फर्स्ट टाइम रहने भाई। क्या दूध रहेगा गाय का? दूध कर देगी भैया 20 लीटर कर देगी आराम से। ठीक है, और किस रेट पे सेल हुई है जी? ये दिए इनको 50 में जी। और देखो अभी क्रॉस ब्रीड है जी,
और दूध आराम से करेगी 20 लीटर। इसका फैंट भी बहुत अच्छा आएगा और इनका एरिया जैसे मान लो आगे गर्मी आती है इनके पास बहुत थोड़ी हीटिंग होती है उस टाइम में गाय बिल्कुल मेंटेन करेगी और जो फैंट है इसकी बिल्कुल आएगी 4.5 के बीच में आएगी क्रॉसिंग में, क्योंकि इनको गाय सभी क्रॉस चाहिए थी क्योंकि इनका जो फैंट के ऊपर दूध जाता है, क्योंकि कोई भी किसान भाई है जिसका फैंट के ऊपर दूध जाता है क्रॉसिंग गाय थोड़ी, क्योंकि इन लोगों ने अभी जो इनका बजट है उनके हिसाब से गाय लिया, क्योंकि क्योंकि कोई भी किसान भाई है जैसे महाराष्ट्र के कस्टमर आए थे उनके लोगों ने गाय लिया 1,00,000 के आसपास, क्योंकि जैसा किसान का बजट होता है ऐसी ही हमारे पास गाय मिलेगी, कोई 1,50,000 की गाय वो भी लेना चाहता है फार्म की गाय वो भी हमारे पास से मिलेगी सर। जैसा नहीं है अभी जैसे गुजरात में लोन हो रखा है 40 से लेके 60 तक का, वो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं अभी और आगे आएंगे, आप वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ में, क्योंकि एक किसान भाई गुजरात के लिए बिल्कुल तोहफा है खुद आके लोन वाले कस्टमर उनको जो सरकार देती है, क्योंकि उन लोगों ने अपना दूध डाल के पैसा इकट्ठा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो अच्छी गायें लेके जाएं, क्योंकि उनको जो दूध डलेगा तो उनका पैसा फिर इन्वेस्ट होगा सर। ये उनके हिसाब से जिनको जो 40 से लेके 50 तक की गायें जो हमारा लो बजट का इनको लोगों गायें दी है 20 गायें, ये आपके जो वीडियो आगे शेयर और आगे जो वीडियो करेंगे MPL की करते हैं भैया। देखो जी आज हमारी जो 3 गाड़ी है आउट ऑफ स्टोर जा रही है, 2 गाड़ी है जो गुजरात जा रही है अरवली डिस्ट्रिक्ट में, लोन वाले कस्टमर हमारे पास हैं, ये मान लो अभी हम गाड़ी पूरी अच्छी तरह ये कस्टमर की बिल्कुल देख रेख है, ये कस्टमर से ज़्यादा हमारी कैपेसिटी बनती है गाय को गाड़ी को देख रेख के लोड करना। देखो गाड़ी अभी तैयार हो रही है पूरा तरपाल तपूर डाल के अंदर मिट्टी मुट्टी डाल के पूरी गाड़ी कंप्लीट है, और जो हर साथ में हिल पर जाते हैं हमारे बिल्कुल हेल्प कीपर वो भी साथ में रेडी हैं, और बिल्कुल जो गाड़ी के क्योंकि ये हमारा कोई लोग बोल देते हैं फेक वीडियो है वो वीडियो है, क्योंकि देखो जो हमने वीडियो बनाने के लिए खुद गाड़ी तो बुलाई नहीं करके किसान भाई ये बात है, और 3 गाड़ी आज हमारी आउट ऑफ स्टेट जा रही है क्योंकि यही गाड़ी दिखाने का रीज़न हमारा ये होता है, क्योंकि कोई भी कस्टमर बोल देते हैं कि फेक वीडियो होता है वो होता है, क्योंकि कोई भी कस्टमर को ऐसा बोलते हैं वीडियो बनाने के लिए गाड़ी आदमी कोई नहीं बुलाता। ये गाड़ी अभी देखो पूरी रेडी हो गई है, ये गाड़ी में मिट्टी मुट्टी डाल के अभी लोडिंग का टाइम है बिल्कुल लोड कर रहे हैं, और देखो मिट्टी पूरी देखो 1 फुट मिट्टी है जी पूरी 1.5 फुट मिट्टी होगी गाड़ी के नीचे और बिल्कुल रेत है, क्योंकि गाय का इसमें पग को चोट नहीं आती कोई मिट्टी डालने का मतलब ये होता है, और देखो बिल्कुल जो गाय का खाने बुने का भूसा और जो रख रहे हो अभी है ना, हाँ भी रख रहे हैं बिल्कुल अभी रेडी हो रही है अभी। इसमें क्या है भूसा है? इसमें भूसा है जी, फीड आएगी अभी, फीड अभी आ रही है और 4 गट्टे भूसा रखेंगे और 2 गट्टे फीड के रखेंगे, क्योंकि जो रास्ते में बिल्कुल खाई और मेडिसिन जो भी है रास्ते में गाय के लिए हमारा जो हेल्प की साथ में जाएगा उनको दे के भेजेंगे टोटल, और देखो ये जहाँ पे बच्चे आ जाएंगे आगे बच्चे ही बच्चे भी ऐसे लोड नहीं करेंगे, बच्चे के नीचे पराली रख के अच्छी तरह उसको फिर लोड करेंगे, क्योंकि बच्चों को ठंडी का मौसम है जी बहुत ज़्यादा अभी ठंडी पंजाब में बहुत अभी, और उनके लिए बच्चे के लिए तरपाल बढ़िया पराली डाल के और जो हमारा हेल्प कीपर है वो यहाँ पे बैठेगा गाय के पीछे, और देखो आगे से बिल्कुल बंद है हवा बिल्कुल भी आगे आएगी क्योंकि पीछे थोड़ा खुला रखेंगे हवा क्रॉस होती रहे। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का धन्यवाद, और जो आज क्योंकि जे किसान भाई का प्यार है जो आगे हम वीडियो हर रोज़ शेयर करते हैं, जो किसान भाई हमारे पास आते हैं वो उनका सबका हमारे पास प्यार इतना ही है, और देखो हम जो चैलेंज आपसे वादा किया था उसके वादे ऊपर आ रहे हैं। किसान भाई बोलते हैं कुछ भी आपका वीडियो नहीं आ रहा क्योंकि वीडियो थोड़ा बिजी था शेड्यूल हमारा, क्योंकि जो कस्टमर पक्के थे उनका वीडियो हम नहीं शेयर कर पाए थे, और अभी जो आज रेगुलर हम चल रहे हैं अभी 1 हफ्ता पहले बिजी थे, और आगे से हम किसान भाइयों आगे से हर दिन आपकी वीडियो शेयर आती रहेगी हमारे पास, और थैंक यू धन्यवाद इतना प्यार और रिस्पॉन्स देने के लिए।